बाबू यार बेबी कितनी डर जाए तू थोड़े से उसमें है देख हे भगवान किससे डर रही है ओ कहाँ है कॉकरोच हट अबे यार बेबी तू कॉकरोच से डरती है भगा दो मैं नहीं भगा रहा अबे यार मैं किस तरह चली जाऊंगी कहाँ पे डर गई बेबी कॉकरोच से ओए कुकू कॉकरोच से डरता है सुबह से आज ब्लॉग नहीं किया ना आज हम कहाँ गए हुए थे अरे यार ये फिर से तेरे बेबी तेरे पास कोई दो ही जोड़ी कपड़े हैं क्या आपने भी तो सेम कल भी यही पहना आज भी यही पहना है परसों भी सेम कपड़े नहीं है मेरे पास यार गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू माय चैनल विकास कोका सॉरी गाइस मैं दो तीन दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज मेरा कैफ़े में काम चल रहा है तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आजकल बिजी हो गया हूँ सुबह जल्दी निकलता हूँ रात को लेट आता हूँ और कुकू भी पूरे दिन उसी चीज़ में बिजी रहती है तो हम व्लॉग नहीं कर पा रहे हैं बट आज थोड़ा सा टाइम मिला आज शिवरात्रि है तो फास्ट रखा है कुकू ने और मैंने भी आज कुर्ता पजामा डाला है क्योंकि अभी हम मंदिर जाएंगे शाम को अभी तो नहीं अभी तो लेट हो गया है थोड़ा सा और फिर उसके बाद कुछ लंच मैं कुछ खा लूँगा बट क्योंकि कुकू जो है वो फास्ट है आज उनका तो वो कुछ खाएंगी नहीं वो अभी अंदर रेडी हो रही हैं और मैं कैफ़े के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं पहले निकल रहा हूँ वो बाद में आएंगी आज लेकिन शाम को हम आपके लिए ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे और माफ़ी चाहता हूँ कि हम दो दिन से ब्लॉग नहीं कर पा रहे हैं और ये लाइट जो है वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ अच्छी है कहाँ बुरी है इसलिए थोड़ा सा लाइट का इशू है मैं निकल गया हूँ अपने ऑफिस के लिए और जैसा कि मैंने बताया कि कुकू अभी तैयार नहीं हुई थी तो वो शायद थोड़ी देर बाद ऑफिस आएंगी और आज उनका फास्ट है तो ज़्यादा काम आज वो नहीं करेंगी अपने ऑफिस में रिलैक्स करेंगी गेम्स खेलेंगी अपने टीवी सीरियल्स देखेंगी और उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि वेदर जो है दिल्ली का और बॉम्बे का वो अलग अलग है तो उन्हें कुछ वेदर के भी इश्यूज़ आ रहे हैं अभी यहाँ पर धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा हमें भी जब हम बॉम्बे आए थे नए नए हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी यहाँ पर वेदर चेंज रहता है घर से दूर रहते हैं अपनों की याद आती है दोस्तों की याद आती है तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है घर की याद आती है दोस्तों की याद आती है बहनों की याद आती है भाइयों की याद आती है बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी यहाँ पर रहने की तो मैंने उन्हें बोला है कि आप अपना टाइम लीजिए जब तक आप एडजस्ट नहीं होते हैं तो आप जैसे चाहे वैसे अपना टाइम स्पेंड कीजिए यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कीजिए अभी फ़िलहाल वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जाएंगी होली पे क्योंकि हमारे यहाँ पर मुंबई पुलिस हमारे यहाँ की मुंबई पुलिस जो है महाराष्ट्र की वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी मानी जाती है काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और काफ़ी मदद करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भी तो इतना इशू नहीं होता है यहाँ पे हाँ तो मैं बोल रहा था कि अभी वो होली पे अपने घर जाएंगी क्योंकि हमारे जो जाटों में है या फिर हिंदुओं में कहिए पहली होली जो है वो लड़की अपने घर पर अपनी अपने मायके में मनाती है तो अभी वो उनकी टिकट्स तो हो गई हैं बट अभी कोई डेट डिसाइड नहीं की उन्होंने कब जाएंगी वो जब भी जाएंगी मैं उनको उनके साथ दिल्ली तो नहीं जा पाऊँगा बट एयरपोर्ट तक तो उनको छोड़ने जाऊँगा तो मैं ब्लॉगिंग भी करूँगा उस दिन की बताऊँगा कि वो आज जा रही हैं सामने शूटिंग भी चल रही है आज किसी की
लोखंडवाला में, और जब वो आती है तो मैं कुछ वीडियोस उनकी बनाता हूँ, क्योंकि दो तीन दिन से हमारा ब्लॉग भी नहीं आया है। तो आने के बाद आज एक अच्छा सा ब्लॉग उनके साथ में शूट करता हूँ बीबी हाउस में। कुकी इन द हाउस। आज चूड़ा कैसे पहना बाबू? ऐसे पहनते हैं। बहुत प्यारी लग रही है। कभी कभी पहनती है ना, मतलब 10-15 दिन में एक बार। जिस दिन मन होता उसी दिन पहनते हो? नहीं, मैंने चिप्स खाए। आज तो फास्ट है आपका। फ्रूट्स लाए अपने लिए? आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ। तुमने खाया? मैंने मेरे को नहीं खाना। ये अपना लॉक कर दो दरवाज़ा। फ्रूट्स खाओ दोनों, मैं भी खाता हूँ तुम भी खाओ। पैरेटो। ये हमारे कुकू का ऑफिस में बैठने का वो है चेयर, यहाँ पे बैठती है। ये पूरा आजकल लेखा जोखा यही संभालती हैं, है ना। बिल बुलाने आ गए बाबू? बिल फोकस चला गया। आ गई आ गई। मेरे को भी एलर्जी नहीं हुई ना खत्म अभी?